फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा यूट्यूब स्टूडियो के द्वारा, जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और सीधे चलना है हमें यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में चलते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ इसके द्वारा आप अपने व्यूज़ और वॉच टाइम को किस तरह से बढ़ा पाएंगे, उसकी जानकारी मैं पूरी दूंगा आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आप किस तरह से अपने व्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल में। और अगर आपका चैनल पुराना भी है तो भी आप इस ट्रिक को अगर अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके एक छोटी सी सेटिंग से आपके व्यूज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपको ग्रो जल्दी होगा चैनल। तो इसके लिए हमें चलना होगा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो हम यूट्यूब अपने स्टूडियो में आ जाएंगे। तो यहाँ यूट्यूब चैनल अपना खुल चुका है और यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो से हो रहा है। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो फिर से किस तरह से आपको सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सेटिंग करने के लिए हमें जाना होगा यूट्यूब स्टूडियो की सेटिंग में, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे शो होगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल की सेटिंग को कर पाएंगे, और वो सेटिंग अगर आप करते हैं तो आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो किस तरह से होगा उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप स्टेप बाई स्टेप देखना मैं क्या सेटिंग बता रहा हूँ। अगर आप भी इस तरह से अपने चैनल पर सेटिंग करते हैं तो आप अपने व्यूज़ को बढ़ा पाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे मैं क्लिक करूँगा सेटिंग पर, और यहाँ देखेंगे किस तरह से हमें आगे एक नया इंटरफेस शो होगा और वहाँ पर किस तरह से सेटिंग करेंगे जिससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और हमारे वॉच टाइम भी बढ़ने की संभावना रहेगी और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यह नया पेज ओपन हुआ है, इसमें आपको यहाँ सेकंड नंबर शो हो रहा है। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं चैनल पर तो आपको एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी दिख रही है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको स्क्रॉल करके ज़रा सा नीचे की ओर आना है और यहाँ आपको एक कीवर्ड नाम से शो हो रहा है। ये कीवर्ड्स जो होता है, इसमें अगर आप अपने चैनल के जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो कीवर्ड आपने काम में लिए हैं उन सबको अगर आप टैग के रूप में यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखे हुए ट्यूटोरियल है, टैग है और साउंड सिस्टम का है और काफ़ी इंस्टाग्राम और अलग अलग टैग मैंने लगाए हुए हैं, जो आपके चैनल की कैटेगरी है वो वर्ड अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, उनके छोटे छोटे टैग बना के कीवर्ड यहाँ आप लिख लेते हैं तो आपके वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से व्यूज़ में आएंगे और उस पर व्यूज़ भी बढ़ेंगे और चैनल यूट्यूब के द्वारा आपके वीडियो को सजेशन में भी दिया जाएगा और ब्राउज फीचर में भी या आपके शो होते रहेंगे। क्योंकि कोई सर्च करेगा तो कोई कीवर्ड डाल के ही सर्च करता है, किसी को वीडियो अगर सर्च करना हो या किसी को कोई ज़रूरत हो तो उस समय आपके कीवर्ड काफ़ी काम के होंगे। तो अगर आप और भी ऐड करना चाहें तो आप यहां से ऐड कर पाएंगे और आप अपने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके लोगों को बता पाएंगे और आप काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को शो कर पाएंगे अपने वीडियो को कीवर्ड के द्वारा, और आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को अपने वीडियो शो करेंगे और यूट्यूब द्वारा भी आपके वीडियो को सजेस्ट किया जाएगा। और अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस पर क्लिक करके आप उस कीवर्ड को हटा भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपके सारे कीवर्ड सेव हो जाएंगे और आपके वीडियो सजेशन में और ब्राउज फीचर में काफ़ी अच्छी तरीके से और लोगों को शो होंगे और आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाएगी। अगर आप इसमें कीवर्ड नहीं लिखते हैं तो आपके व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि आपने जो टाइटल लिखा है वो टाइटल ही रहता है तो उससे आपके व्यूज़ काफ़ी कम होते हैं। तो अगर इतने सारे टैग होंगे तो आपके व्यूज़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।